नमस्कार, मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले तो जो कल कश्मीर घाटी में एक कश्मीरी पंडित की हत्या की गई और आज भी शायद सवेरे खबर आई है कि दो और लोगों की हत्या हुई है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से जो हताहत हुए उनके परिवारों को बहुत गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। और इस पे ये जो सवाल हम लोग बार बार पूछ रहे हैं, ये फिर से रेखांकित होता है कि भारत सरकार ने जो कश्मीर के मसले को आज से 2.5-3 साल पहले नए नीतियों के साथ उस पर काम करना शुरू किया था, उसकी अभी भी कोई दिशा नहीं दिख रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत सरकार वहाँ करना क्या चाहती है। हर बार खबर आती है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बद से ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। तो बार बार हम लोगों का यही है कि एक तो स्पष्टता से पता नहीं चलता भारत सरकार की नीति क्या है, और जो हालत बिगड़ते जा रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर सरकार को और भारत सरकार को ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा गंभीरता से इस विषय को देखना चाहिए। जो दूसरा विषय, और ख़ासकर कल के कारण जो उस विषय आज महत्वपूर्ण है, वो कल जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया की पूछताछ हुई CBI में, उसके बारे में है। पहली चीज़ तो एक ऐसी चीज़ जो कल सामने आई जिसने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है पूरे हिंदुस्तान में, वो जब आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में दो मंत्री उनके फंसे हुए हैं, और वो भी शराब जैसी नीति के भ्रष्टाचार के आरोप में। और ये ऐसी कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है कि उसको कोई भारत सरकार या CBI या ED निकाल के आई है, ये वो भ्रष्टाचार की कहानी है जिसको पिछले 8-9 महीने में दिल्ली का बच्चा बच्चा एक तरीके से एक लोकगीत की तरह पूरे दिल्ली में गाता था। अब सबको पता था कि यहाँ की लिकर नीति के बारे में क्या हो रहा है। उस पर जो कथित रूप से दो आरोपी माने जाते हैं, उनका जो तुलना इन्होंने हिंदुस्तान के महान शहीद भगत सिंह जी से की है, ये मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा घटिया राजनीतिक हरकत बहुत कम होगी। इसकी हम लोग बहुत घोर निंदा करते हैं और अरविंद केजरीवाल से, उनकी पार्टी से कहेंगे कि आपने हर तरीके के निचले स्तर के हथकंडे अपनाए हैं अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस स्तर पर आप आज पहुंचे हैं और शहीद भगत सिंह का नाम जिस तरीके से आपने घसीटा है उन लोगों के साथ जो शराब की एक तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, ये बहुत ही घटिया और नीची हरकत है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और उनसे कहेंगे कि इस चीज़ को एकदम विड्रॉ करें। शराब नीति के बारे में ठीक है, CBI और ED इस पर जानकारी दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल मुख्यतः सामने निकल कर आते हैं जिसका आज तक जवाब हमें आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से, सिसोदिया से कभी नहीं मिला है। वो बाकी जो भी बताएं कि CBI को मैंने क्या कहा, ED को मैंने क्या कहा, उनके पास कोई सबूत है नहीं सबूत है, ये तो सब नाटकीय चीज़ें होती हैं। हमने हर बार देखा है CBI के पास अगर सबूत आते हैं नहीं आते हैं, वो जब केस फाइल होता है उस समय आते हैं। ये कोई वो थोड़ी होता है, TV की डिबेट थोड़ी होती है कि मैंने क्या कहा उसने क्या कहा, लेकिन ये हर चीज़ को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने की जो कोशिश करते हैं, चलिए खैर उनकी राजनीति है। लेकिन एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि जो शराब नीति भली भांति दिल्ली में चल रही थी, और दिल्ली में ये शराब नीति की कुछ दुकानें सरकार चलाएगी और कुछ सीमित तरीके से उनको हम प्राइवेट को देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत तमाम सरकारों ने दिल्ली में किया है। हर राज्य के लोगों का अपना एक कैरेक्टर होता है, उस हिसाब से हर राज्य जो है अपने तरीके से शराब की नीति बनाता है। और दिल्ली में हमेशा ये माना जाता था कि सरकारी दुकानों में ज़्यादा प्रभाव इसलिए रखा जाता है कि एक तो उसमें रेवेन्यू कंट्रोल रहता है, दूसरा क्या है कि हम कितनी दुकानें खोलें कितनी नहीं खोलें और संवेदनशील इलाकों में दुकानें ना खोलें, इसका कंट्रोल दिल्ली सरकार में रहता है। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि बार बार दिल्ली सरकार की नीति भी रही, कांग्रेस के समय भी, उसके पहले BJP के समय में भी, कि पढ़ाई लिखाई के संस्थानों के आसपास, मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों के आसपास, गिरजाघरों के आसपास इस तरीके की दुकानें नहीं खुलें, और ज़्यादातर ऐसी जगह खुलें जहां सार्वजनिक रूप में लोग कम इकट्ठा होते हों, रहने के इलाके अलग हों, रिहायशी इलाके अलग हों। इस कारण से ये नीतियां चलती चली आ रही थीं, उसमें ड्यूटी भी मिलती थी, एक्साइज भी मिलती थी, लेकिन इस नीति को बदलने के पीछे क्या कारण है ये आज तक नहीं समझ में आए। और जब कारण नहीं समझ में आता है तो उसकी टाइमिंग सिर्फ समझ में आई। पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव होने थे, गोवा के चुनाव होने थे, 6-8-9 महीने पहले दिल्ली में आम चर्चा आ गई थी कि शराब की नीति में ये लोग बदलाव कर रहे हैं। और ये बात सबको पता है, हमारे पत्रकार मित्रों को भी पता है कि बार बार शराब के ठेकेदार प्राइवेट ठेकेदारों से बातचीत होने लगी, और जो मुख्यमंत्री बार बार कहता है
कि किसी चीज़ का निजीकरण अपने में ही भ्रष्टाचार का प्रतीक है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में बिजली का निजीकरण हुआ था तो इस आदमी ने उस निजीकरण को केवल ये कह के कि निजीकरण ही अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रतीक है, उसने वो इंडस्ट्री जो एक तरीके से किसी न किसी तरह हर तरीके से हम लोग जिसको एथिकल या मॉरल चीज़ों पर जिसको सवाल खड़े करते हैं, वो पूरा का पूरा सेक्टर उन्हें सरकार से हटाकर निजी क्षेत्र में दे दिया। तो निजीकरण को जो भ्रष्ट मानता था, अब आप समझ लीजिए उसने अगर निजीकरण शराब की ठेकेदारी का किया है तो उसके पीछे क्या मंशा होगी, कम से कम परोपकार की और टैक्स की मंशा तो दिखती नहीं है। इस बात को मैं सीधे सीधे रेखांकित करना चाहता हूँ। दूसरा, क्या इस नीति के बाद टैक्स बढ़ा? जो अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों से आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें ये बात दिखती है कि जहां दिल्ली सरकार को जिस तरीके का टैक्स जिस रेट पर मिलना चाहिए था उसमें कमी आई, सरकारी कंपनियां जो उसको चलाती थी उनके मुनाफे में कमी आई, और करीबन केवल पिछले 6-8 महीने में जिन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इस तरीके का पैसा मिला है उन लोगों को ही अगर आप माने तो 1900 करोड़ के करीब फ़ायदा केवल पिछले 5-6 महीने हुआ जब तक ये नीति चल रही थी। और आखिरी सवाल जो इनसे पूछा जाता है कि अगर आपकी नीति इतनी परोपकारी थी, इतनी जनहित में थी, तो आपने इसको वापस क्यों लिया? नीति वापस लेना अपने आप में इस बात को मानता है कि इस नीति, एक तो नीति गलत थी और नीति के पीछे मंशा गलत थी, इसलिए आगे इन पे कोई तहकीकात हो गई, आगे कोई चीज़ पकड़ी जाए, इस कारण से नीति को वापस लिया है। बाकी हम इंतज़ार करेंगे, हम इतना ही उम्मीद करेंगे कि CBI और ED निष्ठा से और ईमानदारी से इस पर अपनी तहकीकात करें। कई बार हमने देखा है कि इस तरीके की तहकीकात में भी हम लोगों को शक होता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की पार्टी के बीच में कुछ संबंध रहते हैं, वो संबंधों के बेसिस पर ये इंक्वायरी होगी या सही में सच और न्याय को देखने के लिए ये इंक्वायरी होगी, इसकी हम आशा करते हैं। मैं यहीं आज की बात खत्म करना चाहता हूँ, केवल 2-3 बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्योंकि देखा है कि अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार चल रही है 5 या 6 ऐसे नए मुद्दे निकल कर आए हैं जिसमें हम आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार से लिप्त मानते हैं। अगले 3 या 4 दिन में इन सारी के सारी बातों पर आपसे भी हम लोग रूबरू होंगे, और हमने रणनीति बनाई है कि LG साहब के पास और LG साहब के साथ साथ गृह मंत्रालय में इन 4-5 चीज़ों को ले जाकर उनसे हम डिमांड करेंगे कि नए विषयों पर भी जहां वो संभव माने, ACB को चाहे तो ACB को, CBI को चाहे तो CBI को, जिस भी संस्था को चाहे उससे इन 4-5 उन चीज़ों पर भी तहकीकात करवाएं जहां हमारे पास इस तरीके की जानकारी और कुछ सबूत आए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जितना लिकर में भ्रष्टाचार कथित रूप से हुआ है उसके बराबर ही और चीज़ों में भी ये काम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहली चीज़ तो हमको सवेरे से मालूम था कि शाम को यही कहेंगे, तो कोई नई बात नहीं है, वो तो ये तो उनका तौर तरीका है। और मैंने ये भी सुना उसके साथ साथ कि CBI ने कहा है कि पूरे समय उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की इस पूरी चर्चा की, तो ठीक है अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग वो दिखाएंगे नहीं क्योंकि उसको सबूत अबूत माना जाता है, लेकिन मैं CBI से कहूँगा कि जब ये सब पूरा हो जाए और आपकी इंक्वायरी पूरी हो जाए तो हमारे सामने भी भाई वो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी कर दें। और इनके सबूत तो वही हैं, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मैं तो 2013 से अरविंद केजरीवाल का इंतज़ार कर रहा हूं कि मेरी कॉमनवेल्थ के सबूत ले आए, वो सबूत तो आज तक आए नहीं, ये सबूत भी आ जाएंगे तो देख लेंगे, अभी तो 8-10 साल पड़े इन सबूतों का भी सामने आने के लिए। देखिए, जो जितना आदमी डरता है ना उतना ही बड़ा नाटक करता है, बहुत सीधी बात होती है। हम लोगों ने हमेशा देखा है जितना ज़्यादा नाटक करोगे, जितना ज़्यादा आप कालिक में खुर पुते रहोगे उतनी ज़्यादा आप अपने में सफ़ेदी पोतने की कोशिश करोगे। कल का जितना नाटक हुआ जिस तरीके से हुआ, एक होता है कि आप अपने पार्टी के समर्थन में खड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आम आदमी पार्टी को लगता है कि सिसोदिया भ्रष्ट नहीं है,
या बेचारा सिसोदिया ने किसी और के लिए इकट्ठा किया, जो भी वो समझते हो तो वही बेहतर जानेंगे, उनके साथ आप खड़े हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक उग्र रूप, उसके बाद अपने आप को भगत सिंह जी बता देना, गाड़ी में तिरंगे झंडे को लहराना और जिस तरीके से ये मार्च किया है, वो सब इस बात को दिखाता है कि आप केवल सही मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, उसको कहीं और ले जाना चाहते हैं। और जहाँ तक सीबीआई की बात है, भाई सीबीआई के अंदर क्या हुआ, ये तो हमेशा से होता है, हर पार्टी सेलेक्टिवली करती है, भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। आपने देखा होगा कि जब ईडी में या सीबीआई में हमारे कुछ सीनियर लीडर्स को ले जाया जाता था तो भारतीय जनता पार्टी भी लीक करती थी, इस सवाल का जवाब नहीं मिला, ये बढ़िया सवाल आया, इस तरह पे लीडर ने कुछ नहीं कहा। तो ये तो जो लीक करना चाहे उसी से पूछिए साहब। आज तक मैंने कम से कम इस बात को तो नहीं देखा कि सीबीआई अंदर जो बात करती हो उसको प्रत्यक्ष रूप से किसी से कर दे। अब इनको अगर डराया धमकाया गया है तो इनको प्रूफ इन्हें को देना चाहिए ना, ये तो इसमें तो ओनस ऑफ प्रूफ सिसोदिया जी पे पड़ जाता है ना। लेकिन एक बात तो मैं बार बार पूछता हूँ कि इन्होंने इतने लोगों पर आज तक इल्ज़ाम लगाया, ये भी एक इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं, इनका एक भी इल्ज़ाम पिछले 7-8 साल में किसी के खिलाफ 1% भी प्रूव नहीं हुआ, तो क्या है, मैं किस बात पर इनके किसी इल्ज़ाम को आज मानूं, वो इल्ज़ाम चाहे कांग्रेस पे रहे हों चाहे किसी और पार्टी पर रहे हों। देखिए ये संदेह है, क्योंकि ये रही है ये बात, देखिए यही लिकर पॉलिसी बहुत दिनों से सबको मालूम है दिल्ली में क्या हो रहा था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस बात को लेकर 5-6 महीने पहले दिल्ली भारत सरकार पे चले गए थे। तो हम लोग ये समझते हैं कि भारत सरकार भी जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो उनको उस जिस तरीके से हमको लगता है कि एक एंटी करप्शन के हिसाब से आपको एकदम त्वरित कदम लेने चाहिए, वो क्यों नहीं लिए जाते हैं। 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मैंने बार बार भारत सरकार को लिखा है, हमें मालूम है कि उसमें क्या तथ्य हैं क्या नहीं है, लेकिन उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, जिनकी मैं बात कर रहा था कि आने वाले समय में मैं आपसे फिर रूबरू होकर इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। हम ये बात को जानते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि भारत सरकार में और आम आदमी पार्टी सरकार में अक्सर जो है हमने देखा है मिली भगत रहती है। हो सकता है मैम, जैसे मैंने कहा हमको तो सवेरे से कल मालूम था, हम लोग कल जब आपस में चर्चा कर रहे थे तो हम लोग 2-3 चीज़ों की चर्चा कर रहे थे। हमने कहा अगर ये अरेस्ट नहीं हुआ तो फौरन केजरीवाल ये कहेगा कि अब ये जा रहा है, हो सकता है ये भी कह दे कि आम आदमी पार्टी के डर से उन्होंने छोड़ दिया, ये भी कहेंगे कि ऑपरेशन लोटस की कहीं ना कहीं आएगी। तो ये इनके तौर तरीके हैं पुराने। अब दिक्कत क्या है कि इन्होंने इतनी बार यही वही चीज़ें बार बार कही हैं, वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना क्राइंग वुल्फ की, इतनी बार रो पड़े हैं कि भेड़िया है भेड़िया, तो अब इनकी बात ज़्यादा चलती नहीं है। अब वो पर्ची से कहा हो सकता है इनके 4-5 तौर तरीके होंगे, इन्होंने नोट कर लिया होगा क्या 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 पर्ची में कहना है, हो भी सकता है। नहीं बिल्कुल, इस बात का हम लोग सम्मान करते हैं, और न केवल उनके परिवार के लोग, हर आम भारतीय को इससे ठेस पहुंची। देखिए वो जिस संदर्भ में और जिस चीज़ों के खिलाफ शहीद भगत सिंह लड़े थे वो ऐसा है कि आज भी उससे एक तरीके से एक आदर्श है हर हिंदुस्तानी हर भारतीय के लिए। और आप तो बल्कि कथित मतलब शराब के मामले में पकड़े जाते हैं, आप पर इंक्वायरी चल रही है और आप अपने आप को देश की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ लेते हैं, उस संघर्ष से जोड़ लेते हैं जिसने दुनिया में अपने आप को प्रतीक बनाया, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। थैंक यू।